सुल्तानगंज की कुछ खास खबरों की एक बार नजर डालेंगे। बता दें कि सुल्तानगंज के गंगा घाट में लोगों के डूबने का सिलसिला और लोगों के डूबने की संख्या निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले भी लोगों के डूबने का मामला सामने आया था और बता दें ताजी खबर के अनुसार एक महिला की डूबने से हुई है मौत। भागलपुर सुल्तानगंज के अजागी बिनाथ घाट में डूबने की घटना में लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई ध्यान अब तक नहीं पड़ा है। आज सुबह 8 बजे लगभग देवघर के जटाई गांव के रहने वाली खुशी कुमारी, जो पिछले 22 अप्रैल को शादी हुई थी, परिजन के साथ गंगा स्नान करने अजागी बिनाथ गंगा घाट पहुंची थी। गंगा में गड्ढा होने पर गहरा पानी में चले जाने से 3 लोग डूबने लगे। तभी स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया और खुशी कुमारी पर स्थानीय लोगों की नजर नहीं पड़ने पर वह डूब गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। जांच करने के लिए पुलिस आए। कब की घटना घटी है, कब कितना देर का? पहले प्रशासन को बोलते बोलते चला छपलाएगा तब उपलाएगा तब निकलेगा लाश, ऐसा नहीं निकलेगा। यहाँ काहे के लिए प्रशासन? कितना घंटा हुआ है ये डूबने से? ज्यादा नहीं, आधा घंटा से ऊपर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम था जो डूबा है? खुशी कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? देवघर कॉलेज। आपका कौन है? बहन है। बहन है। हमें क्या घंटा बताया जो अब तक नहीं आई कोई भी टीम? कोई नहीं आया। ऊपर मंदिर में कहा तो मंदिर से दौड़ के आया एक सर, उसके बाद बोलता हम फोन किए हैं, वो आएगा ये फोन करते इधर फोन करते, कोई नहीं आता है, सुन मैं नहीं करता सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोलू हुआ। आपका कौन डूबा है? मेरा बहन। अभी क्या घटना घटी है? अभी डूब गया बच्ची। कहाँ का है? देवघर का। देवघर का रहने महिला है जी? महिला है। हाँ, लड़की का करता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? आप ही तो बराबर उसे या इसी सबसे बात करिए जी। हम लोग तो बस्ती में है, आए सुने हैं, आए हैं, जो बात होगा सामने देखिए रहे हैं।